से थोड़ी देर बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी विधायक महागठबंधन के हैं 164 विधायक वो अभी एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं और वो हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के साथ वो भी यहां तक पहुंच सकते हैं। राजभवन में परेड कराने की भी बात हो रही है, जिसकी बात पिछले कई घंटे से की जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार अकेले राजभवन जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, या फिर उनके साथ जो तमाम महागठबंधन के विधायक हैं, 164 विधायकों का समर्थन मिला है, वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तमाम जेडीयू के आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। और जब से यह ऐलान हुआ है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन एक साथ सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद से लगातार जो जेडीयू के समर्थक हैं आरजेडी के समर्थक हैं वो एक अन्य मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ तस्वीर 10 सर्कुलर रोड पर भी दिखाई दे रहा है, तो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक अन्य मार्ग के सामने लालू यादव का झंडा लालटेन के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं ये जो राजेंद्र चौक है जिसके एक तरफ राजभवन है तो दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग है, यहाँ पर जो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। और अब यह दिखाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि उनकी सत्ता आ गई, उनकी सरकार आ गई, और इसी के लिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं आरजेडी और जेडीयू के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नीतीश कुमार वहाँ से निकल चुके हैं राजभवन के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम विधायक हैं महागठबंधन के वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि अभी नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह और साथ ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं, जो पहले एक अन्य मार्ग में पहुँचे थे जहाँ तमाम महागठबंधन के विधायक मौजूद थे। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से वहाँ नेता चुना गया, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार, ललन सिंह और साथ ही तेजस्वी यादव अभी राजभवन के लिए निकले हैं। तो राजभवन के बाहर जो उनके कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, मैं लौटती हूँ यहाँ की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कि हलचल अभी भी खत्म नहीं है, नई सरकार के बहुत कुछ होना भी बाकी है, और यही वजह है कि गहमा गहमी सस्पेंस अभी भी यहाँ पे जारी है। लेकिन मैं सीधे नीरज का रुख करती हूँ। नीरज इस वक्त राबी आवास से मौजूद है, वहाँ क्या तस्वीर बदली है या कुछ ऐसी खबर मिल रही है नीरज वहाँ से कि वहाँ के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ एक बार आए? विधायक जो है पहुंचे थे, लेकिन फिर से सर्कुलर रोड पे ही कुछ विधायक मौजूद है, ज़्यादातर विधायक मौजूद है, कुछ एक अन्य मार्ग पे मौजूद है, क्योंकि किसी का मोबाइल फ़ोन अब तक काम नहीं कर रहा, यानी मोबाइल फ़ोन तक नहीं पहुंचे। लेकिन कई व्यक्तित्व होते हैं पॉलिटिक्स में, अभी हम लोग 10 सर्कुलर रोड के बाहर हैं। यहाँ विनय बिहारी साहब है, अपने को एक राजनीतिक कवि बताते हैं, लालू यादव का समर्थक और प्रशंसक बताते हैं, वो पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं खास तरीके से एक मोटर बाइक पे लालू यादव के तमाम जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और लालटेन की तस्वीर है, खुद भी जो टोपी लगाया है खास तरह की टोपी है, लालू राबड़ी तो है ही, तेजस्वी तेज प्रताप भी है, लालटेन चुनाव चिन्ह है। विनय जी, 5 साल बाद यहाँ 10 सर्कुलर रोड पे खुशी आई है, तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। मैं खुश इसलिए हूँ, कभी ऐसा होया करता था कि मैं लालू प्रसाद यादव को देखने को तरसते थे, मैं कहता था, ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दिया था कि अगर कोई हमको लालू प्रसाद यादव से मिला देगा तो भर पर रसगुल्ला खिलाएंगे और अपने 6 महीना की कमाई, आधा कमाई उसको दे देंगे। लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए, बैठने के लिए इतना तरफ थे, बिल्कुल लालू यादव के प्रशंसक है। लेकिन यहाँ 10 सर्कुलर रोड पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख सकते हैं, जगह जगह लोग, आपको फिर बता दें, जगह जगह लोग कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव की एक झलक पाने को, तेजस्वी यादव हालांकि निकले, कार्यकर्ताओं का हुजूम तब था, लेकिन अभी तक मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे हलचल तेज है, किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल अभी भी बना हुआ है। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ सुबह से ही यहाँ सबका फोकस इसलिए है, सबके आकर्षण का केंद्र ये जगह इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार यहीं पे मंथन कर रहे थे, और यहीं से मंथन करने के बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया यानी इस्तीफा देने का, और राजभवन भी यहाँ से वो चंद कदमों की दूरी पर है, एक तरफ सीएम हाउस है और दूसरी ओर राजभवन है, तो इस्तीफा दिया जा चुका है। लेकिन नई सरकार में किसकी क्या भूमिका हो, किसके पास क्या पोस्ट हो, कौन सा विभाग हो, स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण चेहरा किसके पास हो, विधानसभा स्पीकर का मैं जिक्र कर रही हूँ, इन तमाम बातों को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इतना भी सस्पेंस नहीं है कि इस मामलों को लेकर सरकार का गठन नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है।
सबके चेहरे को, बॉडी लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि मौजूदा परिस्थिति क्या है। अब मैं एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन के पास ताज़ा अपडेट ये है कि अब क्या अगला कदम होने वाला है, अभी जो नेता एकजुट हो रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है? चंद्रमोहन, बिल्कुल देखिए, जो महागठबंधन के तमाम है, जो विधायक है वो अभी एक में मौजूद है और उनको अभी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जो विधायक में मीटिंग के लिए गए थे उनके मोबाइल को पहले बाहर रख लिया गया था और उसके बाद यही ठीक हूबहू चीजें सर्कुलर में भी हुआ। जो भी वहाँ विधायक मीटिंग के लिए पहुंचे थे, नेता मीटिंग के लिए पहुंचे थे, उनका भी मोबाइल बाहर रख लिया गया था ताकि किसी से संपर्क बाहर ना हो पाए और किस तरह की खबरें भी बाहर ना जाए। तो अब जब नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है तो भी यह साफ तौर पर सख्त हिदायत दी गई है, जब महागठबंधन के सभी विधायक जब अंदर में मौजूद थे, जो सांसद थे वो मौजूद थे, जो वहाँ पर विधान पार्षद थे वो मौजूद थे, उनको ये कहा गया है कि उनको तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश ना हो जाए। तो अभी सभी विधायक, सभी विधान पार्षद और सांसद अभी एक आने मार्ग में ही मौजूद हैं। और 2020 में भी मैंडेट दिया था और फिर उसी के साथ मिलना, यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा, भाजपा कहां जाएगी? भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे, सारे रिश्ते, सारे खत्म कर दिया। भाजपा क्या करे? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था, बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था, लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है और यह जो लड़ाई है यह नैतिकता की लड़ाई हम राज्य की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी। सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जेडीयू ने जो किया वो ठीक नहीं था, जनता ने एनडीए को जनादेश दिया था उसका पालन नीतीश कुमार को करना चाहिए था। नीतीश पर हमलावर हुए हैं बीजेपी नेता मंगल पांडे, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त बिहार की राजधानी से पटना से सामने आ रही हैं वो एक बड़ा संदेश बिहार की जनता के लिए, बिहार की सरकार के लिए दे रही है। सीधा हमला करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की जनता को धोखा दिया गया है और इस धोखे का जवाब जनता जरूर देगी, जनता के जनादेश को नकारा है जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री जो थे अभी कार्यवाहक हैं क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि इंतजार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसके बाद ये साफ होगी तस्वीर कि आखिर अब बिहार में जो सरकार बनने जा रही है, सत्ता का जो वितरण होगा, एलोकेशन ऑफ पावर, वो कैसा होने जा रहा है। बिहार की जनता के साथ ये धोखा, मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से हमलावर होते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश का फैसला जनादेश का अपमान है। वो ये कह रहे थे कि जब चुनाव के दरमियान तब बातें सामने आ रही थी, तब आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया, तब एक बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया और अब देखिए किस तरह से आपको ऐसा क्या लगा कि आपने अब जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ जाने का मन बना लिया है। महागठबंधन के नेता चुने जा चुके हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता चुने जाने के बाद ये साफ संकेत कि वो एक बार फिर से बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर क्या तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय का चेहरा होंगे या फिर बाकी जो महत्वपूर्ण मंत्री पद होंगे वो किस तरह से इन गठबंधन के राजनीतिक दलों में बांटे जाएंगे, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2024 के तहत नीतीश कुमार का ये बड़ा स्ट्रोक कहा जा रहा है। सबसे बड़ी जानकारी यही कि नीतीश कुमार इस्तीफा तो दे चुके हैं, इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे अब एक एक करके फिर से उन तमाम चेहरों का जुटना शुरू हो चुका है जो उनके साथ नई सरकार का हिस्सा होने वाले हैं और नई सरकार का हिस्सा
जो होगा उसमें सबसे प्रमुख चेहरा है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव भी यहीं मौजूद हैं। एक बार मैं फिर से चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, जो यहाँ पार्टी के स्थानीय लीडर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि एक बार फिर से राजभवन जाया जा सकता है तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के लीडर, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल, देखिए जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंच सकते हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि जीतन राम मांझी अभी एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं और उनके साथ ये सभी नेता राजभवन पहुंचेंगे। ये सामने रूट लगाया गया है, तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है, सामने इसी एक अन्य मार्ग के रास्ते से निकलेंगे और नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। 164 विधायकों का समर्थन उनको मिला है और जब अब से थोड़ी देर पहले वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे तो उससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने तमाम महागठबंधन के विधायकों के साथ वहां पहुंचेंगे, लेकिन वो अकेले पहुंचे और अभी एक बार फिर से जब यहां से इस्तीफा देकर वो निकले हैं, राबड़ी देवी से उन्होंने मुलाकात की है, जो महागठबंधन के तमाम विधायक हैं उनके साथ मुलाकात की है और फिर वो सर्वसम्मति से नेता विधायक दल के चुने गए हैं और फिर अब वो वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। एक बार फिर से हो सकता है कि सभी विधायकों की भी परेड कराई जाए और इन विधायकों को उस वक्त तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं है जब तक नीतीश कुमार का आदेश ना हो जाए। तो जो तमाम महागठबंधन के विधायक हैं उनसे समर्थन पत्र और हस्ताक्षर लेने के बाद उनको अभी राजभवन आने से पहले यह निर्देश दिया गया है कि जब तक नीतीश कुमार का आदेश ना हो जाए तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, सामने मुख्यमंत्री, जो अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अब राजभवन के लिए निकल रहे हैं और सामने जो पुलिस के तमाम जो जवान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो आगे सड़क धीरे धीरे खाली कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में तेजस्वी यादव मौजूद हैं नीतीश कुमार के, और उसके साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी मौजूद हैं। तो अगर सभी विधायकों को यहाँ पर आना हुआ, ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन की ओर निकलते हुए आगे आगे नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और ये गाड़ी का काफिला पीछे में मौजूद है। नीतीश कुमार अभी ये सामने जाते हुए तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ जो आगे सुरक्षाकर्मी की गाड़ी है और साथ में नीतीश कुमार मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इस गाड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं। तो एक बार फिर से राजभवन ये तीनों नेता पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी के मुलाकात के बाद यह साफ हो जाएगा कि कब शपथ ग्रहण समारोह का वक्त रखा जाए। और अभी ये विजय चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं वो और साथ में तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या सभी नेताओं को जाना है? आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, जीतन राम मांझी गाड़ी में मौजूद हैं, जो लेफ्ट के विधायक हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी हैं नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहते हैं वो भी गाड़ी में मौजूद है। तो धीरे धीरे ये काफिला राजभवन की ओर बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आगे की गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें सबसे आगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे, बैठे हुए थे, और उसके बाद उसी गाड़ी में पीछे तेजस्वी यादव और साथ में उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी तक कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद थे। सामने काफिला राजभवन के अंदर 164 विधायकों का समर्थन मिला है, जिसको समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन पहुंचे हैं। और जब निकलते हैं तो उस समय वो क्या बातें करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि आम तौर पर यह रहा है कि नीतीश कुमार जब भी राजभवन जाते हैं और निकलते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपने बातों को रखते हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार बात करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना होगा। तो अब बिल्कुल यह जो कयास लगाए जा रहे थे पिछले तीन दिनों से, यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन को छोड़कर और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और साथ में लेफ्ट के विधायक शामिल हैं उनके समर्थन से सरकार में आएंगे, यानी जो समर्थक हैं, समर्थन है वो बदल जाएगा। तो अब नीतीश कुमार अभी राजभवन पहुंचे हुए हैं और राजभवन के बाद अब वो बाहर निकलते हैं
तो क्या बोलते हैं, क्या अपनी बातें रखते हैं मीडिया के सामने, ये देखना होगा। क्योंकि अब से पहले जब वो गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस्तीफा देकर वो बाहर निकले हैं, और उसके बाद फिर वो राबड़ी देवी से मुलाकात किए, और फिर उसके बाद महागठबंधन के सभी विधायकों नेताओं की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। और अभी फिर से एक बार नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, ये सीधे तौर पर जब मीटिंग चल रही थी अंदर में जेडीयू के विधायकों की, उसमें यह कहा गया, विधायकों की सहमति थी जिसमें विधायक साफ तौर पर यह कह रहे थे कि जो बातें सामने आई है, जैसे नीतीश कुमार ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर आरसीपी सिंह पार्टी को तोड़ना चाहते थे, और 6 ऐसे कॉल हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, वो भी पाला बदलने के लिए आगे आना चाहते थे। लेकिन जैसे ही कॉल रिकॉर्ड सामने आया उसके बाद नीतीश कुमार ने अब अपना गठबंधन अलग करने के लिए सोच लिया था, और उसके बाद से ही यह दिन और तारीख रखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि आज के दिन सुबह 11 बजे एक अन्य मार्ग में तमाम जो MLC हैं, जो सांसद हैं, वो पहुंचेंगे, उनसे पहले राय लिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो वो जब मीटिंग हो रहा था तब कई विधायकों ने नीतीश कुमार को सीधे तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार को जो भी फैसला लेना है वो ले सकते हैं। और सामने ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर, कुछ कार्यकर्ता हैं जो जबरन गाड़ी के पास जाना चाहते थे, उनको खदेड़ते हुए ये तस्वीर, यहाँ से खदेड़कर उनको हटाया गया है। क्योंकि जब नीतीश कुमार अंदर से बाहर निकले थे उस वक्त, उस समय भी हजारों की संख्या में जो तमाम दल के विधायक हैं उनके समर्थक यहाँ पर पहुँच गए थे, जेडीयू के समर्थक पहुँच गए थे, कांग्रेस के समर्थक पहुँचे थे और RJD के समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी यहाँ पर हजारों की संख्या में जो तमाम महागठबंधन के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नीतीश कुमार राजभवन के अंदर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, और यह बड़ा हुजूम, बड़ी तस्वीर आपके सामने, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल News18 India पर आप तस्वीर ये देख रहे हैं, जहाँ पर जो तमाम RJD के समर्थक हैं, JDU के समर्थक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हम समर्थक हैं, वो यहाँ पर राजभवन पहुँचे हुए हैं। नीतीश कुमार जब पहली बार इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे उस समय ये कहा जा रहा था कि आखिर बाकी अन्य जो उनके समर्थन में पहले से बैठक कर रहे थे वो क्यों नहीं आए, इसको लेकर भी कई तरह की गहमागहमी हो रही थी, चर्चा शुरू हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देकर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इससे पहले NDA के समर्थन से मैं मुख्यमंत्री था, इसलिए मैं इस्तीफा देने गया था। और अभी नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी से मुलाकात किए और फिर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो तमाम को समर्थन मिला है उसमें 164 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को मिला है, जिसमें कांग्रेस, हम, JDU, RJD और साथ ही जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनका भी समर्थन मिला है जो अभी अंदर में मौजूद हैं। तो आज बिहार की राजनीति का ये बड़ा दिन है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ गए हैं और अभी राज्यपाल से राजभवन में कर रहे हैं मुलाकात। करने के बाद वो क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी बाहर में आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग यहां पर झंडा लेकर पहुंचे हैं, और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां RJD के समर्थक यहां पर ये नहीं यूक्रेन इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। नीतीश कुमार ने नई सरकार का दावा पेश कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 164 MLA का समर्थन सौंप दिया गया है। नीतीश कुमार ने नई सरकार का दावा पेश किया है। बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ी बदलाव की जो ये बयार देखने को मिली है, जिसमें 164 MLA का समर्थन पत्र उनके जरिए सौंप भी दिया गया है। देखिए, बिहार की सियासत में एक ऐसा बदलाव सामने आया है जिसे लेकर अब एक नई तस्वीर बिहार की पॉलिटिक्स की दिखाई दे रही है। आगा।
बादल मंडराते भी नहीं दिखते। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इस कमी को माना और इसके पीछे की वजह भी बताई। ताइवान की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन को दो दिन पहले ही सैन्य अभ्यास खत्म करना था लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और अगले दिन से फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। लेकिन ताइवान के आसपास मिसाइलें बरसा रहे चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन को अपनी पूरी की पूरी सेना ही जंग में उतारनी होगी, जो मौजूदा हालात में चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन चाहता है कि वो ताइवान को डरा धमका कर अपनी बात मनवा ले, जिसके लिए उसने एक दिन पहले फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार ड्रिल का जो वीडियो आया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, जिसमें चीन की मिसाइलों से होने वाला धमाका चारों तरफ गूंज उठा। यही नहीं, वीडियो देखकर लगा मानो चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग उगल रहे हों, क्योंकि उनसे बिना रुके मिसाइलें दागी जाती रहीं, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसकी सीमा के आसपास गिरी। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। मतलब चीन ने ताइवान को बता दिया कि वो केवल समंदर से नहीं आसमान से भी आ सकता है। एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस के लिए चीन ने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को आसमान में उतारा, जो ताइवान की हवाई सीमा के आसपास मंडराने लगे। चीन की ड्रिल के वीडियो में नीले समंदर के ऊपर चीन के फाइटर जेट झुंड में उड़ते दिखे, यानी ब्लू बैटलफील्ड में चीन ने समंदर से आसमान तक अपने सैनिकों को फैला दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत होगी और चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या ही 20 लाख है और सभी सैनिकों को युद्ध में उतारने के बावजूद चीन की जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि ताइवान को कम आंकना गलती होगी। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि कोई भी देश केवल एक जंग में अपने सभी सैनिकों को झोंकने से बचेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में केवल एक जंग जीतना काफी नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन जंग ने यह भी साबित कर दिया कि देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जीत पक्की नहीं होती। उल्टा ताइवान पर हमले के बाद चीन को आर्थिक नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन इसी वजह से ताइवान के अंदर नहीं सीमा के पास बम बरसा रहा है, क्योंकि वो केवल ताइवान को डराना चाहता है, जिसके लिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है और इस समय पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हॉटस्पॉट बना हुआ है। समंदर में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात हैं, तो आसमान में बॉम्बर, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, जिसे देखकर लगता है कि चीन हमले के लिए तैयार है। यही नहीं, नाकेबंदी की वजह से ताइवान को आर्थिक नुकसान भी होने लगा है, क्योंकि न समंदर से कोई जहाज और न आसमान से कोई विमान ताइवान पहुंच रहा है, लेकिन ताइवान घुटने नहीं टेक रहा। उल्टा खबर आई कि ताइवान में भी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उसकी 5-पॉइंट स्ट्रेटजी का पता चला था, जिसमें अमेरिका से मिलने वाली मदद सबसे अहम रणनीति थी। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का हो चुका है कि चीन के हमले का जवाब अमेरिका और ताइवान मिलकर देंगे। यही नहीं, ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले छोटे से करिबियाई देश सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडींस ने भी उसका साथ दिया है। पेलोसी की यात्रा के कुछ दिन बाद ही सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडींस के पीएम रॉल्फ गोंजाल्विस 6 दिन के लिए ताइवान पहुंच गए। पीएम के तौर पर 11वीं बार ताइवान पहुंचे गोंजाल्विस ने दो टूक कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए आए हैं। यानी छोटा सा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडींस हो या बड़ा सा अमेरिका, ताइवान के दोनों दोस्त चीन के खिलाफ उसके साथ हैं। यानी अगर चीन ने ताइवान को कमजोर समझा तो ये उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिनमें परमाणु शक्ति से चलने वाला यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान भी ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट हैं। इसके अलावा ताइवान के छोटे छोटे युद्धपोत मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी चीन को चित करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर चीन ने अपने 20 लाख सैनिक मैदान में उतार भी दिए और पूरी ताकत से ताइवान से लड़ा तो भी जीत तय नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका और चीन की चालबाजियों से परेशान कई छोटे छोटे देश हैं, जो चीन को जीत का स्वाद चखने से रोक सकते हैं। उधर खबर है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से खुलकर दुश्मनी ले रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और इसी बीच चीन के फुजियान प्रांत से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस बात को और पुख्ता कर दिया। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीर में चीनी सेना की गाड़ी दिखी जिस पर जेड निशान नजर आया, वही जेड निशान जिसे यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों,
ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी, जेड निशान रूस के यूक्रेन पर हमले का प्रतीक बन गया। वहीं चीन के शहर से इस तस्वीर के सामने आते ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि शी जिनपिंग ने पुतिन की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। यानी रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर अपनी मिसाइलें, रॉकेट और बम बरसाए, उसी तरह चीन भी ताइवान को निशाना बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन उस पर भड़का हुआ है। और खबर है कि उसने ताइवान की नाकेबंदी शुरू कर दी है। चीन ताइवान के नजदीक कई इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रहा है। खास बात यह कि ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान से कुछ ही किलोमीटर दूर की जा रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन कई बार अपने फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में भी उड़ा चुका है। और खबर तो ये भी है कि चीन और ताइवान की टेंशन का असर आईफोन 14 की लॉन्चिंग पर भी पड़ सकता है। एप्पल ने इस फोन को अगले महीने यानी सितंबर में ही लॉन्च करने का ऐलान किया है, लेकिन चीन के एक नए आदेश से उसके इस सपने पर पानी फिरता दिख रहा है। माना जा रहा है कि आईफोन 14 के बाजार में आने में देरी हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ तनाव बढ़ने के बाद चीन ने एक नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के मुताबिक उसने अपने देश में आने वाले सामान पर मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखने पर रोक लगा दी, जबकि ताइवान से बड़ी मात्रा में चिप और दूसरे उपकरण आईफोन 14 में लगाने के लिए। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फिर राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, पेश किया सरकार बनाने का दावा, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद। इस्तीफा देने के बाद राजभवन से सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे नीतीश कुमार, तेजस्वी के साथ पहुंचे सीएम आवास, कहा पार्टी नेताओं की सहमति पर छोड़ा गठबंधन। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने पर बीजेपी का हमला, बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीकांत त्यागी को किया गिरफ्तार, पुलिस 4 दिन से कर रही थी गालीबाज, श्रीकांत की तलाश, यूपी एसटीएफ ने मेरठ से की गिरफ्तारी। उच्च अधिकारियों को पूरी छूट है कि ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं, गुंडे तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। महाराष्ट्र में सरकार बनने के 40 दिन बाद शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार, शपथ लेने वाले 18 मंत्रियों में बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायक शामिल, पीएम ने नए मंत्रियों को दी बधाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, आज तक और इंडिया टीवी को अहमदनगर पुलिस को मिले प्रतीक पवार और आरोपी के बीच व्हाट्सएप चैट की कॉपी, रिकॉर्ड में नूपुर के समर्थन पर हमले के अहम सबूत, जांच में जुटी पुलिस। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में तिरंगा यात्रा, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष ने 1,00,000 तिरंगे के साथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी, आईटीबीपी की महिला विंग ने भी किया तिरंगा मार्च। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश, बैतूल में बाढ़ से बह गया बैराज। यूपी के बरेली में डीजे बजाने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश में एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया।
आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे हैं, ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से राजभवन पहुंचे हैं और नई सरकार गठन को लेकर दावा पेश करना है। हालांकि समर्थन पत्र पहले ही इस्तीफा देने के साथ नीतीश कुमार दे चुके थे। अब सशरीर उपस्थित होकर जो और सहयोगी दल है महागठबंधन के, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें लेफ्ट है, वो सभी चेहरों के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन के अंदर है और ये सीएम हाउस है और सीएम हाउस के ही बिल्कुल करीब, ठीक करीब जो अपोजिट साइड है, आप एक बार तस्वीरों के जरिए देखिए राजभवन, और राजभवन के दूसरे एंगल में मतलब यहाँ से दूसरी ओर से वो पूरा काफिला एक बार फिर से वही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तैयारियां कर ली है, उसकी तस्वीरें मैं दिखा भी रही हूँ इस वक्त। और लोग जो कि सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस सियासी घटनाक्रम के गवाह बन रहे हैं। हालांकि इस कड़े मार्ग में, इस सीएम हाउस में अमूमन हमने यही देखा है, जब 2020 में चुनाव परिणाम आ रहा था और जिस तरह बीजेपी और जेडीयू इन दोनों की तल्खियां बढ़ रही थी, इसलिए साथ में सरकार का गठन तो कर रहे थे, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पे नहीं थी बल्कि उसके सीटों की संख्या कम हो गई थी। उसी समय से नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि चिराग मॉडल का जिक्र जो हो रहा है, चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने उन सीटों पर ही चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे जहां पे जेडीयू के उम्मीदवार थे और सीटों की संख्या ना सिर्फ कम हुई बल्कि वोट बैंक में भी सिद्धमारी। मैं चंद्रमोहन का रुख करूंगी इस वक्त, नीरज का भी रुख करूंगी, सबसे पहले चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, अभी वक्त गुजर गया तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है, अभी और कितना वक्त लगेगा जब राजभवन से वो लोग बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां आरजेडी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के तमाम समर्थक यहां पर पहुंचे हुए, बड़े बड़े झंडे लेकर, बैनर लेकर, और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आरजेडी का राज बिहार में एक बार फिर से आ गया है। और ये तस्वीर देखिए, लालू यादव बड़े झंडे पर और तेजस्वी यादव लंदन बीच में, तो अब कार्यकर्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाचा और भतीजा एक बार फिर से साथ आ गए हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाहर निकलेंगे। और ये अभी जो बात चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह वो कब हो, क्या वो शपथ ग्रहण समारोह कल हो, क्योंकि जब भादों का महीना शुरू होता है उस समय कोई भी अच्छा काम, शुभ कार्य नहीं होता है, ऐसे में जो भी है वो 11 तारीख से पहले कर लेना है। तो अभी ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के कार्यकर्ता है, नेता है, वो पहुंचे हुए हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब गठबंधन बदल गया है, ऐसे में जो आरजेडी के समर्थक हैं वो अब आपको यहाँ पर राजभवन के सामने दिखाई दे रहे हैं। पूरे कैंपस की यही सूरत बनी हुई है इस वक्त आज, जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, यानी जिस तरफ देखिए सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं और आम दिनों भी इस रूप को बाधित नहीं किया जाता है। हालांकि आज तो थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन एक और बड़ी खबर स्पीकर पोस्ट को लेकर, दावा है तेजस्वी का कि स्पीकर, विधानसभा स्पीकर उन्हीं के खेमे का हो, लेकिन क्या इस बात पे नीतीश कुमार मान जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को अच्छे से मालूम है कि चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या फिर आरजेडी के साथ रहें, मजबूरी में इन दोनों गठबंधनों में वो जाते हैं क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या उतनी नहीं होती है कि वो अपने दम पे सरकार चला सके। तो इस बेमेल गठबंधन में क्या के मसले पर पैंच नहीं फंसेगा? सब कुछ तय हो गया है पहले ही, इस सस्पेंस के भी थोड़ा इंतजार, हालांकि दो दिन के अंदर ही 11 तारीख को शपथ हो जाना है, शपथ होने का राजभवन से ये तारीख। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है, और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। करके
बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन बयान सुनते सुनते मैं इस कैंपस की तस्वीर एक बार फिर दिखाना चाहती हूँ। ये राजभवन की तस्वीर है और यहीं पे मौजूदगी है किसकी, नीतीश कुमार की। नई सरकार का गठन होना है, नई सरकार में सीएम के चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये सब कुछ तय है, लेकिन तेजस्वी खेमे को क्या हासिल होना है। तेजस्वी ने अगर इस शर्त को मंजूर किया है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि तेजस्वी ने मंजूर किया है क्योंकि 2020 के बाद से ही नीतीश कुमार ने मन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जितनी दफा वो लालू प्रसाद यादव से बातचीत करते थे या फिर तेजस्वी से बातचीत करते थे, बात बनती नहीं थी, क्योंकि ना लालू प्रसाद यादव को और ना ही तेजस्वी को उस नीतीश कुमार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका था, जिन्होंने बीच में ही चुनी हुई सरकार का साथ छोड़कर, यानी आरजेडी के साथ 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो साथ छोड़कर उन्होंने क्या कदम उठाया था, बीजेपी का साथ थाम लिया था, और वो भी भ्रष्टाचार के मसले पर की पब्लिक फोरम में आके। बताइए कि आईआरसीटीसी घोटाला जो है वो क्या कहता है। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई, सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा।